हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है खेसारी लाल के दरिया दिल। देखिए, आंधी बच्ची को पढ़ाने के लिए क्या गिफ्ट दिए, सुन के दंग रह जाएंगे। तो मतलब ये है कि खेसारी लाल यादव किसी बच्ची को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, उसकी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, 2 मिनट की वीडियो है। तो खेसारी लाल यादव किसी जो बच्चा देख नहीं पाता उसके लिए कुछ कर रहा है, तो हम ज़रूर देखेंगे। और इस चीज़ से हमें इंस्पायर होना चाहिए। ये वीडियो शो ऑफ के लिए नहीं होती है, ये वीडियो होती है ताकि हम इंस्पायर हों, हम भी कुछ दान पुण्य कर सकें, है ना। तो हमें भी किसी नीडी पर्सन को कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। अगर उसको किसी चीज़ की नीड है तो हमें वो चीज़ कर देनी चाहिए। अगर आपके 10 रुपये की इनकम है तो आप 2 रुपये दे दीजिए ना, आप 1 रुपया दे दीजिए, समझ रहे हो। कोई ये तो आपको नहीं कह रहा कि 10 में से आप 5 दो, बट आप 58, 54, 1 रुपया 2 रुपया कुछ तो दे सकते हो। जितना आपके एफर्ट्स होते हैं, जितना आप कर सकते हो उतना कर दीजिए, उतना कर देना चाहिए। तो हम ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। किस दोनों बेटा मोबाइल क्या करना है, मतलब निकल फाइल का इसके लिए आंख बनवाना है। आंख तो नहीं बन पाता है, मतलब पढ़ाई करेगा तो कंप्यूटर नहीं हो पाता है। कंप्यूटर चाहिए इसको, लैपटॉप जी। इनका नंबर ले, अपना चाचा रहता है। अच्छा ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए हम लोग को। लेकिन लैपटॉप चलाएगी कैसे, इन लोगों का आता है? हाँ, जल्दी खाते हैं लोग, चले जाते। ठीक है, इनका नंबर ले लो। फोटो खींच लीजिए, बात कर रहा हूँ। आ जाओ बाबू, आ जाओ। क्या नाम है? मामा लगेंगे आप। एक ही बेटी है? इनका नंबर ले लेना, लैपटॉप आएगा तो इनको बोल देना, चाहे कभी शूटिंग कर। तो जी, आप लोगों ने वीडियो देखी, एक लड़की है मतलब बच्ची जो देख नहीं पाती है लेकिन पढ़ाई में अच्छी है, तो उसकी मम्मी चाहती है कि उसको लैपटॉप दिलाया जाए। पहले तो किसी भैया ने पूछा था कि आँख बनवानी है, तो बोली नहीं, आँख नहीं बन सकती है, नहीं बन पा रही है, तो आप लैपटॉप। तो वो बोली फिर लैपटॉप चलाएँगी कैसे, तो वो बोली कि भी लैपटॉप इनको सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो टीच किया जाते हैं इन लोगों की, अलग तरीके से इनकी क्लासेस चलती है जिसमें इन लोगों को सिखाया जाता है लैपटॉप चलाना। और ये बहुत अच्छी बात है अगर इतना इनिशिएटिव वो ले रहे हैं कि भी मेरी लड़की कंप्यूटर सीखे, एटलीस्ट वो अब इंडिपेंडेंट हो सकती है ना। ये नहीं है कि वो सिंपैथी कार्ड खेल के कि हाँ वो तो नहीं देख सकती तो वो तो मतलब कुछ भी नहीं करे, भीगी मांगने लग जाए, ऐसा नहीं है। आजकल क्या बहुत अलर्ट हो रही है दुनिया, बहुत डेवलप कर रही है अपने आप को, पढ़ रही है, लिख रही है, एफर्ट्स लगा रहे हैं अपना ताकि वो कुछ कमा के खा सके, बहुत मेहनत कर रही है। और भोजपुरी इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। सीरियसली, बिहार में जितना मेहनत होता है ना उतना मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं पे भी करता होगा। बिहार के बंदे बहुत 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 ज़्यादा मेहनती हैं और इसीलिए शायद मुझे वो बहुत पसंद भी हैं। तो मुझे अच्छी लगी वीडियो, आप लोग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।